हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, और ये वीडियो है रेवाड़ी के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उन स्थलों से रिलेटेड यह वीडियो है। और इसमें हम जो रेवाड़ी के महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को एकदम देसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी को देखना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा लेना। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे हम इसे ट्रिक के माध्यम से रेवाड़ी के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन स्थलों को याद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की जो हमारी ट्रिक है वह है हमारी ट्रिक आज की, राम की रानी 12,000 का नोट की लाल जूती पहनकर जंगल बाग में घंटे भर घूमी। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से कैसे हम आपको जो रेवाड़ी के महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को याद करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए जो हमारी ट्रिक है उसका पहला शब्द है राम। देखिए जो राम की रानी है वह 12,000 के नोट की और लाल जूती पहनकर जंगल बाग में घूमती है, तो इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए जो हमारी ट्रिक है इसका पहला शब्द है राम। तो देखिए राम से क्या बनेगा, राम से बनेगा रामपुरा महल। और देखिए यह जो रामपुरा महल है यह रेवाड़ी में स्थित है, और यही इमेज है रामपुरा महल की। इस इमेज को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इमेज देखने के बाद कोई भी चीज़ आसानी से याद रह सकती है। तो फ्रेंड्स ठीक है, इस इमेज को आप ध्यान से देख लेना। और ये रामपुरा महल के बारे में बताएं तो यह एक भव्य मंदिर है, नहीं यह एक भव्य महल है, और इसे राव तेज सिंह ने बनवाया था, यह भी आपको याद रखना है। और इसे 1801 सन में बनवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राम से बना रामपुरा महल, और यह एक भव्य महल है, इसे राव तेज सिंह ने बनवाया था। और कब बनवाया, तो इसे बनवाया 1801 सन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला बनेगा जो हमारी ट्रिक थी राम की रानी। तो देखिए रानी से बनेगा रानी डोढ़ी, और रानी डोढ़ी यह भी एक पर्यटक स्थल है, और यह रेवाड़ी में स्थित है। देखिए यही इमेज है जो रानी डोढ़ी है उसके महल की, यही इमेज है, इस इमेज को आप ध्यान से देख लो। और रानी डोढ़ी के बारे में आपको कुछ बताएं तो रेवाड़ी में यह हरियाणा की प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस डोढ़ी का निर्माण सन चैत्र में राव नंदराम सिंह ने करवाया था, यह भी आपको याद रखना है कि राम की डोढ़ी है इसका निर्माण करवाया था राव नंदराम सिंह ने। और कब करवाया, तो यह करवाया 1675 में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं रानी। तो रानी से बना रानी की डोढ़ी, और रेवाड़ी में यह हरियाणा की प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, और इसका निर्माण करवाया गया 1675 में। और किसके द्वारा करवाया गया, तो यह करवाया गया नंदराम सिंह के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं कौन सा स्थल है। तो अगला है 12,000। देखिए जो हमारी ट्रिक थी राम की रानी 12,000, तो 12,000 से बनेगा 12,000 मस्जिद। ठीक है फ्रेंड्स, 12 से बना 12,000 मस्जिद, और यही इमेज है 12,000 मस्जिद की, इस इमेज को आप ध्यान से देख लेना। और जो यह 12,000 मस्जिद है इसे बनवाया था इब्राहिम 12,000 ने, और वह मोहम्मद गोरी का एक जर्नल था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसने रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यहाँ पर मुस्लिम आधिपत्य कायम किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 12,000 थे वह मोहम्मद गोरी के एक जर्नल थे, और उन्होंने ही इस 12,000 मस्जिद का निर्माण करवाया था, और उन्होंने यहाँ पर रेवाड़ी पर जो रेवाड़ी के शासक थे चौहान सरदार, उन्हें हराकर मुस्लिम आधिपत्य यहाँ पर कायम किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं कौन सा स्थल है। तो अगला है कानोट। देखिए जो हमारी ट्रिक थी राम की रानी 12,000 का नोट, तो कानोट से बनेगा कानोट दरवाज़ा, और यह कानोट दरवाज़ा इसे राव नंदराम ने बनवाया था। और देखिए यही दरवाज़ा है जो कानोट का दरवाज़ा है वह, तो इस दरवाजे को आप ध्यान से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और यह दरवाज़ा भव्य दरवाज़ा है जिसे नंद सागर व रानी डोढ़ी का समकालीन माना जाता है। देखिए यह जो दरवाज़ा है यह नंद सागर है, और रानी की जो डोढ़ी है उस टाइम का यह बना हुआ है, उसी के समकालीन का यह दरवाज़ा है, और यह अहिरवालिय भवन निर्माण कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, यह भी आपको याद रखना है।
ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, कानोट, कानोट से बनेगा कानोट दरवाज़ा, और इसे नंदराम ने बनवाया था, राव नंदराम ने। और यह भव्य दरवाज़ा नंद सागर व रानी डोढ़ी का समकालीन है, उसी के टाइम का बना हुआ है, और यह अहिरवालिय भवन निर्माण कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा स्थल है? तो आगे है लाल। देखिए, जो हमारी ट्रिक थी राम की रानी 12,000 का नोट की, लाल, तो लाल से बनेगा लाल मस्जिद। ठीक है फ्रेंड्स, लाल से बना लाल मस्जिद, और यह लाल मस्जिद जो रेवाड़ी में पुरानी कचहरी है उसके समीप है यह लाल मस्जिद, और इसका निर्माण 1570 में अकबर के शासनकाल में करवाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। और देखिए, यही इमेज है जो लाल मस्जिद की इमेज है, वह यही मस्जिद है। इस मस्जिद को आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि मस्जिद एक बार किसी भी चीज़ की जो इमेज है वह देखने के बाद वह आसानी से याद रह जाती है। तो आप इसे मस्जिद को ध्यान से देख लेना। और यह पुरानी कचहरी के पास है, इसका निर्माण 1570 में करवाया गया था, और यह अकबर के शासनकाल में बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, कौन सा स्थल है? तो अगला है जंगल। देखिए, जो हमारी ट्रिक थी राम की रानी 12,000 का नोट की, देख वो जंग लाल जूती पहनकर जंगल बबलर में घूमी, जंगल में घूमी। तो देखिए, आपको बता दें, एक ही जो तिलेदार जूती है वह भी रेवाड़ी की प्रसिद्ध है, तो आपको वह भी याद रखना है। जूती से बनेगा तिलेदार जूती, जो रेवाड़ी की काफ़ी फेमस जूतियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब अगला शब्द है जंगल, तो जंगल से बनेगा जंगल बबलर, और यही जंगल बबलर की इमेज है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि जंगल बबलर कहाँ पर है और यह कैसा स्थल है, तो यह एक पर्यटन स्थल है, और यह जंगल बबलर रेवाड़ी में धारवाड़ा में स्थित है। कभी धारवाड़ा आए तो यहाँ पर आकर घूमना, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, यह रेवाड़ी के धारवाड़ा में स्थित है जंगल बबलर, और यह प्रमुख पर्यटन स्थल है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगला है, अगला देखते हैं, बाघ आएगा। अगला जो शब्द है वह है बाघ। देखिए, जो हमारी ट्रिक थी राम की रानी 12,000 का नोट की, लाल जूती पहनकर घंटे बाग में, देखिए जंगल बाग में, तो बाग से बनेगा बाग वाला तालाब, और देखिए यही इमेज है बाग वाला तालाब की, इस इमेज को ध्यान से देख लेना। और यह जो बाग वाला तालाब है यह अब सूख चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, और यह पुरानी तहसील के पास स्थित है, और इसका निर्माण करवाया गया था राव गुज्जर के जो पुत्र थे अहीर, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, बाग से बनेगा बाग वाला तालाब, और यह बाग जो तालाब है अब सूखा हुआ है, इसमें पानी नहीं है, ठीक है, और यह जो बाग वाला तालाब है यह पुरानी तहसील के पास स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया था वह राव गुज्जर के पुत्र अहीर ने करवाया था, इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा स्थल है? तो आगे है घंटे। और देखिए, जो हमारी ट्रिक थी राम की रानी 12,000 का नोट की, लाल जूती पहनकर जंगल बाग में घंटे भर, तो घंटे से बनेगा घंटेश्वर मंदिर, और यह घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यही इमेज है घंटेश्वर मंदिर की, इस इमेज को आप ध्यान से देख लेना, यही इमेज है घंटेश्वर मंदिर की, और इस मंदिर में सनातन धर्म के जो सभी देवी देवताएं हैं उनकी मूर्तियां स्थापित है, यह आपको ध्यान रखना है कि जो घंटेश्वर मंदिर है इसमें सनातन धर्म के जो सभी देवी देवताएं हैं उनकी मूर्तियां स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये थी आज की हमारी ट्रिक, इसमें हमने आपको रेवाड़ी के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को याद करवाया है। मुझे आशा है कि आपको ये स्थल याद हो गए होंगे, यदि नहीं हुए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।